23 शुरू किया था, चैप्टर नंबर 23, क्रोमोसोम एंड डीएनए। कल मैंने चैप्टर नंबर 23 शुरू किया था और उसका नाम क्या था? क्रोमोसोम एंड डीएनए, उसका नाम था क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम और डीएनए में आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम ये कुछ इस तरह है कि हमारे पास डीएनए होता है। कल मैंने बताया था कि एक डीएनए क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डीएनए, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से बनता है। मतलब यहां देखो, ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए आफ्टर रिप्लिकेशन, जब इसकी रिप्लिकेशन होती है क्रोमोसोमल डीएनए की, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 5 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग है। और 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये 5 to 3 स्ट्रैंड है और ये 3 to 5 स्ट्रैंड है। इस तरह। अब ये क्रोमोसोमल डीएनए स्टार्ट कॉइलिंग अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। दिस क्रोमोसोमल डीएनए which is 5 centimeter long and composed of 140 million nucleotide, it starts coiling around histone proteins. दो दफा, मतलब ये लेट सपोज हमारे पास हिस्टोन्स प्रोटीन है, 1, 2, 3 और ये 4, 4 हिस्टोन प्रोटीन है और 1, 2, 3 और 4, ये है इस तरह। और ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है डीएनए, तो डीएनए इसकी इर्द गिर्द इस तरह एक दफा और फिर दूसरी दफा इस तरह कोइलिंग करता है, तो इस तरह ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए, और ये भी हमारे पास क्या चीज है? डीएनए है।
अब यहां भी हमारे पास स्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, अगेन ये इस तरह कॉइलिंग करता है और इस तरह दोबारा इस तरह कॉइलिंग करता है, तो दो दफा कॉइलिंग करके दोबारा इस तरह डीएनए से निकल जाता है। ये हमारे पास फिर से डीएनए है और ये इस तरह फिर से हिस्टोन्स पड़े होते हैं न्यूक्लियस में। हिस्टोन कल मैंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो इस तरह ये एक कॉइल और ये दूसरा कॉइल इस तरह ये करता है इस तरह, यहां फिर से हिस्टोन प्रोटीन से अगेन इस तरह ये वहां से दो दफा कॉइल करके डीएनए इस तरह निकल जाता है। तो ये डीएनए है हमारे पास। अब ये जो मैंने ब्लू पे ड्रा किए है, तो ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, इस तरह ये हिस्टोन्स है। अब हिस्टोन में जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे पास H2A, H2B, H3 और H4 होता है। इस हिस्टोन में भी H2A, H2B, H3 और H4 होता है, और इस हिस्टोन प्रोटीन में भी H2A, H2B, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H3 एंड H4 इस तरह होता है। तो डीएनए का लेंथ कम हो जाएगा। ये डीएनए कितना है शाबाश, ये डीएनए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 नैनोमीटर ये वाइड है। तो जब कॉइलिंग करेगा, कॉइलिंग जब व्हेन इट स्टार्ट कॉइलिंग जब कॉइलिंग करेगा तो क्या होगा, इसका जो लेंथ है ये कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, और इसकी जो डायमीटर है मोटाई ये इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। अब रिमेंबर बेटा, ये जो हमारे पास एक हिस्टोन है, ये एक हिस्टोन है और ये दूसरा हिस्टोन है, दो हिस्टोन के दरमियान ये जो डीएनए होता है, ये वाला डीएनए, दो हिस्टोन्स के दरमियान ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं, लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए में 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इस 200 न्यूक्लियोटाइड के साथ H1 प्रोटीन भी होता है। अगेन जरा यहां देखो, जो हिस्टोन्स जिसके इर्द गिर्द डीएनए ने कॉइलिंग की है और दूसरे हिस्टोन जिसके इर्द गिर्द डीएनए ने कॉइलिंग की है, इनके दरमियान इस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए में 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड्स, और H1 प्रोटीन इसमें होता है, H1, और कितने हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड्स। अगेन दो हिस्टोन जिसके इर्द गिर्द डीएनए ने कॉइलिंग की है, तो उसके दरमियान जो डीएनए होता है लिंकर डीएनए कहलाता है, लिंकर डीएनए। और रिमेंबर बेटा, इस लिंकर डीएनए में H1 प्रोटीन और 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस तरह कॉइलिंग करता है। तो मैंने बताया इसकी लेंथ में रिडक्शन होगा और डायमीटर में इजाफा होगा, तो लेंथ में रिडक्शन और डायमीटर में इजाफा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में 4 फेजेस है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी फेजेस,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास चार फेजेस होते हैं, चार स्टेप्स होते हैं, चार स्टेप्स। अब हमारे पास है पहले पहला नंबर पर स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर वन, जब हमारे पास डीएनए है जो कि 2 नैनोमीटर वाइड है, ये जब हिस्टोन्स के साथ कि इर्द गिर्द कॉइलिंग करता है तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। मैंने बताया ना दो हिस्टोन और डीएनए जिसकी इर्द गिर्द कॉइलिंग की है उनके दरमियान डीएनए को लिंक कर डीएनए कहते हैं, तो दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान डीएनए को हम क्या कहते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं, जब डीएनए कॉइलिंग करता है अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन्स, और कितने हिस्टोन्स, 8 हिस्टोन्स है हमारे पास, और दो मॉलिक्यूल H2A का, दो H2B का, दो H3 का और दो H4 का। अब रिमेंबर बेटा, ये जो हमारे पास डीएनए है ये 2 नैनोमीटर वाइड है, जब ये कॉइलिंग करता है तो ये 10 नैनोमीटर वाइड स्ट्रक्चर बनाता है, 10 नैनोमीटर डायमीटर में वाइड स्ट्रक्चर बनाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के बाद फिर हमारे पास होता है जब डीएनए फर्दर कॉइलिंग करता है अराउंड हिस्टोन्स, तो फिर बनता है क्रोमेटिन फाइबर या सोलेनाइड, इसको हम कहते हैं। सोलेनाइड और क्रोमेटिन फाइबर। अब इस डीएनए में न्यूक्लियोसोम भी शामिल है, न्यूक्लियोसोमिक डीएनए। न्यूक्लियोसोम वाला डीएनए जो कि 10 नैनोमीटर वाइड है, ये जब फर्दर हिस्टोन के इर्द गिर्द कॉइलिंग करता है तो इससे एक स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम सोलेनाइड कहते हैं या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर जो कि 30 नैनोमीटर वाइड स्ट्रक्चर है। वाइड स्ट्रक्चर है, और इस दौरान इस यहां पर दो जगह नमूदार होती है, यहां पर जो तीन होता है एक्सप्रेस रीजन होता है तो उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं, और जो अनएक्सप्रेस रीजन होता है तो उस यहां पर जो एक्सप्रेस रीजन है एक्सप्रेस्ड प्लस थिन रीजन होता है, थिन और एक्सप्रेस रीजन, तो इस थिन और एक्सप्रेस रीजन को यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जो अनएक्सप्रेस है, अन एक्सप्रेस्ड और थिक रीजन है, थिक, उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इस तरह अब जो सोलेनाइड डीएनए है हमारे पास, ये जो सोलेनाइड या क्रोमेटिन फाइबर वाला डीएनए है जो कि राउंड अबाउट
थर्टी नैनोमीटर वाइड है, ये जब फर्दर कोइलिंग करता है किसकी अराउंड, ये जब फर्दर इसमें तो न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है, तो ये जब हिस्टोन्स के इर्द गिर्द फर्दर कोइलिंग करता है तो ये बनाता है एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम है सुपर कोइल। इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियोसोम्स होते हैं और ये हमारे पास 700 नैनोमीटर कॉइल स्ट्रक्चर होता है, 200 नैनोमीटर कॉइल स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सुपर कॉइल फॉर्मेशन है, इस तरह। और ये जो सुपर कॉइल वाला डीएनए है, ये जो सुपर कॉइल वाला डीएनए है, ये जब फर्दर जो कि 200 नैनोमीटर वाइड है, ये जब फर्दर हिस्टोन्स के इर्द गिर्द कोइलिंग करता है और तो ये क्रोमेटिड बनाता है। क्रोमेटिड कल मैंने बताया था, दो क्रोमेटिड से बनता है एक क्रोमोसोम। तो मेरे पास क्या चीज है, क्रोमेटिड फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करो, एक बार और रिपीट करो, क्रोमेटिड फॉर्मेशन है। मतलब आपके पास हिस्टोन्स है और आपके पास डीएनए है, डीएनए तो 140 न्यूक्लियोटाइड, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से बना एक डीएनए है। इसको आप हिस्टोन्स प्रोवाइड करो, इस न्यूक्लियोटाइड के लिए जितने हिस्टोन्स चाहिए, तो वो एक क्रोमेटिड बनाएगा चार स्टेप्स में। अब लेट सपोज ये क्रोमेटिड बना है, ये क्रोमेटिड इस तरह, अगेन एक दूसरा डीएनए होगा हिस्टोन्स के इर्द गिर्द कॉइलिंग करके न्यूक्लियोसोम बनाएगा, फिर फर्दर कॉइलिंग यूनाइट, फिर सुपर कॉइल, फिर क्रोमेटिड बनाएगा, तो फिर दूसरा क्रोमेटिड ये बन जाएगा इस तरह। और इन दोनों को न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं, तो फिर इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का बनना इस तरह होता है। तो उम्मीद है कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हाथ रेज कर सकते। स्ट्रक्चर ऑफ जीन डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जीन। मैंने बताया था कि जीन हमारे पास डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन जीन का स्ट्रक्चर हम फॉर यूकेरियोट्स डिस्कस करते हैं। जीन का स्ट्रक्चर हम यूकेरियोट्स के लिए डिस्कस करना चाहते हैं। तो जीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास इस तरह के दो रीजन्स होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास जीन, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए है। तो मतलब जीन का, जीन एक छोटा सा डीएनए होता है, इस तरह आप कंसिडर करें, ये इस तरह एक छोटा सा डीएनए होता है। तो इसमें दो रीजन्स होते हैं, दो रीजन्स, एक को हम कहते हैं रेगुलेटरी रीजन और दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। एक को हम रेगुलेटरी रीजन कहते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में मैंने समझाया है कि डीएनए में हमारे पास फिफ्थ एंड भी होता है, और डीएनए में हमारे पास थर्ड एंड भी होता है, तो थर्ड एंड और फिफ्थ एंड इसको हम रेगुलेटरी रीजन कहते हैं। इसमें इस थर्ड एंड को खुसूसी नाम, जिसका नाम टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर, और फिफ्थ एंड को खुसूसी नाम जिस
इसका नाम है प्रोमोटर। तो इस पे हमारे पास अपने प्रोमोटर, इस पे हमारे पास अपने छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसको हम फंक्शनल जीन्स कहते हैं, टर्मिनेटर पे अपने होते हैं। तो रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन और में ये दो जगह दो चीज से बना है, थर्ड एंड से, थर्ड एंड और क्या चीज है, फिफ्थ एंड। फिफ्थ एंड को हम प्रोमोटर कहते हैं, थर्ड एंड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। इन दोनों के दरमियान जो जगह होता है उसको स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं। स्ट्रक्चरल रीजन क्या है, इट इज द पाथवे, द पाथवे, द रीजन या डिस्टेंस बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान पाथवे को, प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान रीजन, मतलब इस को हम स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं। इसमें ऐसी जगह भी होती है मतलब जो जेनेटिक कोड्स, मतलब इसमें तो इट कंटेन न्यूक्लियोटाइड्स, इट में स्ट्रक्चरल रीजन में क्या है, कंटेन न्यूक्लियोटाइड्स, इट कंटेन न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो जेनेटिक कोड सिस्टम में मौजूद है उस को हम एग्जांस कहते हैं, एग्जांस, और जो नहीं है तो उसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। प्रोमोटर टर्मिनेटर के दरमियान कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एग्जॉन, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ जीन फॉर प्रोकैरियोट्स, फॉर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के जीन में दो जगह होती है, एक रेगुलेटरी रीजन होता है और एक स्ट्रक्चरल रीजन होता है। रेगुलेटरी रीजन दो जगहों पर, फिफ्थ एंड को प्रोमोटर, थर्ड एंड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। बाज कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, बाज नॉन कोडिंग सीक्वेंस। प्रोमोटर रीजन के दरमियान, प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन के दरमियान कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं, जिसमें कोडिंग सीक्वेंस को एग्जॉन और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन्स कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ जीन अब मैं प्रोकैरियोट्स के लिए डिस्कस करूंगा। क्या चीज, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ जीन, सॉरी जीन्स नहीं, फॉर प्रोकैरियोट्स। अब मैं प्रोकैरियोट्स के लिए डिस्कस करूंगा। तो प्रोकैरियोट्स के लिए भी स्ट्रक्चर ऑफ जीन कुछ इस तरह है कि उसमें भी दो रीजन्स हैं, एक को रेगुलेटरी रीजन कहते हैं जबकि दूसरे को हम कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, शाबाश, स्ट्रक्चरल रीजन। ये हमारे पास उस बिल्कुल उसी तरह का है कि इसमें प्रोमोटर होता है और टर्मिनेटर होता है। और इसमें हमारे पास
ये जो स्ट्रक्चरल रीजन है, अच्छा प्रोमोटर ये हमारे पास फिफ्थ एंड को कहते हैं, और ये हमारे पास थर्ड एंड को हम कहते हैं। अच्छा अब ये जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर है, ये जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर है, तब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होता है, रीजन होता है, ये क्या है? रीजन बिटवीन प्रोमोटर रीजन बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। लेकिन इसमें ऐसी न्यूक्लियोटाइड है, इट कंटेन न्यूक्लियोटाइड विच कोड्स फॉर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, which have codes for many types of polypeptide synthesis. तो इस ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए कोड्स हो, इसको ओपेरॉन्स कहते हैं। ओपेरॉन्स हमारे पास ऐसे जीन्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्मेशन और उसकी रेगुलेशन वगैरह में मदद देते हैं। जिस तरह आपको पता है प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए होता है, एक आरएनए, तो डेफिनेटली इस आरएनए को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए ये मैसेंजर का काम भी करेगा, ट्रांसफर का काम भी, शागिर्द कारसो की कैमरा बंद लगा, कैमरा बंद लगा शाबा। तो ये हमारे पास पॉलीसिस्ट्रोनिक है, ये मैसेंजर आरएनए का काम भी करता है, ट्रांसफर आरएनए का काम भी करता है, और राइबोसोमल आरएनए का काम भी करता है। कैमरा चा अनक्रेड का उल्लान दे निकली फारा 02050212120 दे आईडी दे फरा दा कैमरा बंद का तब सिंगल स्टूडेंट आने तो तखपुर कैमरों हम खबर नहीं है यार। इसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करता है, कोड्स फॉर डिफरेंट proteins in a single transcript, एक single transcription में, translation में, in a single transcript। Eukaryotes में तो एक transcript में सिर्फ एक protein code होता है, यहां एक transcript में multi proteins code होता है, तो ऐसी nucleotide sequence को मतलब हम क्या कहते हैं? Operons। और अगर सिंगल ट्रांसक्रिप्ट में एक प्रोटीन कोड होता है तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं एग्जॉन्स। अगर सीक्वेंस नहीं है तो इंट्रॉन्स। तो एग्जॉन इंट्रॉन कंसेप्ट स्ट्रक्चरल रीजन आप यूकेरियोट्स में होगा, और एग्जॉन इंट्रॉन का कंसेप्ट किस में नहीं होगा? स्ट्रक्चरल रीजन आप प्रोकैरियोट्स में, उसकी जगह ओपेरॉन का कंसेप्ट होगा। अच्छा इसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो आई एम श्योर कि वो भी क्लियर होगा। अच्छा डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल डिस्कस करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल्स, डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल्स। तो डीएनए रिप्लिकेशन के मॉडल्स है, एक पहला मॉडल है, और उस मॉडल का नाम है कंजर्वेटिव मॉडल, उसका नाम है।
कंजर्वेटिव मॉडल इसके मुताबिक कि ये हमारे पास लेट सपोज पेरेंटल सेल है, ये हमारे पास पेरेंटल सेल है, तो पेरेंटल सेल में लेट सपोज ये ब्लैक डीएनए है, तो इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अब कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक कि इसमें डीएनए रिप्लिकेशन इस तरह होता है कि ये डीएनए अपने जैसा एक दूसरा डीएनए बनाता है, मतलब पेरेंटल डीएनए, ये इसको मैं पी डीएनए कहता हूं, पी डीएनए, पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए अपने जैसा एक डीएनए बनाता है अपने जैसा, अब इसको डी डीएनए कहते हैं, डॉटर डीएनए, और इसको हम क्या कहते हैं, पी डीएनए, पेरेंटल डीएनए हम कहते हैं। तो जब ये दो सेल बनाता है डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल बनाता है, डॉटर सेल, और ये दूसरा डॉटर सेल बनाता है डॉटर सेल, तो ये जो पेरेंटल डीएनए है ये कंप्लीटली महफूज होता है एक डॉटर सेल में, और ये जो नया डीएनए है, न्यू डीएनए है, न्यू डीएनए, इसको हम न्यू डीएनए कहते हैं, न्यू डीएनए, तो न्यू डीएनए कंप्लीटली दूसरे डॉटर सेल में प्रिजर्व होता है, महफूज होता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव का मतलब है मुकम्मल महफूज होना, इसके मुताबिक मुकम्मल महफूज होना, कि जब सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन करता है, पेरेंटल सेल डिवीजन करके दो डॉटर सेल बनाता है, तो पेरेंटल डीएनए मुकम्मल तौर पर एक डॉटर सेल में, और जो न्यू डीएनए बनता है वो मुकम्मल तौर पर दूसरी डॉटर सेल में चला जाएगा। इस तरह दूसरा एक मॉडल है और उस मॉडल का नाम है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन। अब डिस्पर्सिव मॉडल कुछ इस तरह है कि हमारे पास पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल सेल है, और इसमें ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है, और ये जब डीएनए रिप्लिकेशन करता है, जब डीएनए रिप्लिकेशन करता है इस तरह, डीएनए जब रिप्लिकेशन इस तरह करता है ये, तो ये डीएनए टूट जाता है इस तरह, पार्ट्स में टूट जाता है इस तरह, और कुछ नए पार्ट्स भी बनते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा डीएनए बनता है, ऐसा डीएनए कि ये हमारे पास मिक्स डीएनए है, मिक्स डीएनए, अब ये मिक्स डीएनए है, मिक्स डीएनए, मिक्स डीएनए का मतलब ये है कि इसमें कुछ पेरेंटल डीएनए के पार्ट्स भी है, जर्रात भी है, और कुछ नए डीएनए की जर्रात भी है, ये भी मिक्स डीएनए है, मिक्स डीएनए डिस्पर्स होता है, और जब दो डॉटर सेल बनते हैं, एक ये डॉटर सेल है और एक ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल है और ये भी डॉटर सेल है, तो इसमें हमारे पास इस तरह, इसमें हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, पेरेंटल डीएनए की कुछ ट्रेसेस और नए डीएनए की कुछ ट्रेसेस, ये दोनों डॉटर सेल को मिलते हैं, तो डिस्पर्सिव का मतलब है बिखर जाना, बिखर जाना, नया डीएनए भी बिखर जाता है, पेरेंटल डीएनए भी बिखर जाता है, पेरेंटल डीएनए के कुछ हिस्से, नए डीएनए के कुछ हिस्से, दोनों डॉटर सेल्स को मिलते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल। और एक तीसरा मॉडल है विच इज नाउन एज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल अबाउट डीएनए।
मॉडल अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये एक सेल होता है और इस सेल को हम पेरेंटल सेल कहते हैं। पेरेंटल सेल में ये हमारे पास एक डीएनए होता है। जब ये इस तरह डीएनए रिप्लिकेशन करता है तो पेरेंटल सेल का ये एंड जुदा हो जाता है, ये एंड जुदा हो जाता है। ये क्या है? आफ्टर रिप्लिकेशन, आफ्टर रिप्लिकेशन हमारे पास पी डीएनए है, पेरेंटल डीएनए। तो पेरेंटल डीएनए स्प्लिट होता है। जब स्प्लिट होता है तो ये अपने लिए एक अलग सा स्ट्रैंड बनाता है इस तरह, और ये अपने लिए एक अलग सा स्ट्रैंड बनाता है इस तरह। फिर ये डॉटर सेल बनाता है, डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल है और ये दूसरा डॉटर सेल है। तो हमारे पास इन दोनों डॉटर सेल में हाफ, बिल्कुल हाफ, वन स्ट्रैंड किसका आता है? पेरेंटल सीमी का, मतलब है हाफ, आधा। हर एक डॉटर सेल को आधा नया डीएनए बना है, मिला है, और आधा पेरेंटल डीएनए, आधा नया डीएनए और आधा पेरेंटल डीएनए मिला है। तो ऐसी किस्म के मॉडल को हम क्या कहते हैं? सीमी कंजर्वेटिव मॉडल अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन। मिसेलसन और स्टाल दो साइंटिस्ट थे और उन लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 1958 पे एक्सपेरिमेंट किया नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 और उनके सॉल्यूशंस का, मतलब नाइट्रोजन बेसिस में नाइट्रोजन 14 जो कि लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन 15 जो कि हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, उसका इस्तेमाल करके उसने इन तीनों मॉडल्स को चेक किया। जब तीनों मॉडल्स को चेक किया तो उनके मुताबिक के डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो करेक्ट मॉडल है वो हमारे पास क्या है? सीमी कंजर्वेटिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल गलत है, डिस्पर्सिव मॉडल अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन गलत है, कंजर्वेटिव मॉडल अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन गलत है। ये हमें मिसेलसन और स्टाल ने बताया था। कब बताया था? ये उन्होंने बताया था 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। उन लोगों ने डीएनए रिप्लिकेशन पर एक्सपेरिमेंट करके नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 का इस्तेमाल उन लोगों ने किया था। इस चैप्टर का जो सबसे टेक्निकल पोर्शन है, कल इंशाल्लाह मैं शुरू करूंगा प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन से। तो कल इंशाल्लाह हम बिल्कुल, मतलब बेस से मैं वो समझाऊंगा, ठीक है? डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तो